Hi guys, what's up? I hope you are doing well. Friends, welcome to my channel SSC by Rahul Patidar. हम number system पढ़ रहे थे. Number system में remainder theorem का part 4 हम continue करेंगे. आज हम remainder theorem खत्म कर देंगे. इसमें कुछ और चीजें देखते हैं. Remainder theorem कैसे apply होता है. Remainder तो हमने निकालना सीख लिया. Complete कैसा भी question आ जाए हम उसका remainder निकाल लेंगे. उसके लिए प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे पूरे नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस के साथ. सो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 4. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63. इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 व्हाट विल बी द रिमाइंडर. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है एक किसी संख्या को अगर 63 से डिवाइड करते हैं, एक किसी संख्या को 899 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 63. अगर उसी संख्या को अब 899 से नहीं डिवाइड करना है, उसी संख्या को अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. इस टाइप के क्वेश्चन को मैं समझाता हूं इसको कैसे करना है. ये क्वेश्चन इस टाइप से है, एक कोई सा नंबर दिया होगा, उस नंबर को 899 से डिवाइड किया तो यहां पे रिमाइंडर आया 63. ये रिमाइंडर आया 63. फ्रेंड्स, ये नंबर कैसे निकालते हैं. ये नंबर होता है, आप देखिए, सब वो नंबर होगा 899 k plus 63. वो नंबर होगा, ये जो नंबर है वो 899 का मल्टीपल होगा और 63 एक्स्ट्रा होगा. क्योंकि इसी टाइप के नंबर में तो अगर हम 899 से डिवाइड करेंगे तब ये वाला तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 63. जैसे हम बात करें, एक नंबर है जिसको 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2. एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं. ये फ्रेंड्स, ये नंबर होगा 5k+2. k यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4. इट मींस जब हम k को 1 रखेंगे या तो k को 0 रखेंगे. k एक नेचुरल नंबर है, k को 0 रखा तो नंबर आया, k को 0 रखा, यहां पे हम k को 0 रखेंगे तो नंबर आएगा 2. k को 1 रखेंगे तो नंबर आएगा 7. k को 2 रखेंगे तो नंबर आएगा 12. k को 3 रखेंगे तो नंबर आएगा 17. इस टाइप से फ्रेंड, जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2. 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2. 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2. 17 को 5 से डिवाइड करने पर नंबर आता है 2. तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जिसका नंबर नहीं पता है पर डिवाइड करने से ये रिमाइंडर आता है, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5k+2. ऐसे ही यहां पर है, यहां पर हम ऐसे लिख लेंगे, 899 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर 63 रिमाइंडर आता है. इट मींस 899k+63, ये वो नंबर है, ये नंबर वो है. अब हमको आगे दिया हुआ है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, अगर इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. यहां पे 899 को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, 3 टाइम्स 87. 29 into 3 87 into 31 29 into 31 899 हो रहा है तो यहां पर रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर आएगा 0. 29 into 2 30 to the 60 58 58, तो यहां पर रिमाइंडर आया +5. यहां पर रिमाइंडर आया +5. सो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, पहली बार इस संख्या को 899 से डिवाइड किया, दूसरी बार वही सेम संख्या को 29 से डिवाइड किया. अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और जो पहली बार डिवाइड किया और दूसरी बार डिवाइड किया वो आपस में, मतलब 899 29 से डिविजिबल है, इस केस में हम केवल रिमाइंडर, जो पहले केस में रिमाइंडर था उससे रिमाइंडर जो आ रहा है इसका वो निकाल लें, दैट्स इट. इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम इसको सिंपली कर लेंगे, सिंपली कर लेंगे. हम देखेंगे पहले कि 899 में तो 29 का डिवाइड हो रहा है,
899 में से 29 डिविजिबल है, इट मींस हमको केवल 63 से 29 का जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। यहां पे आंसर विल बी फ्रेंड्स प्लस 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे ही हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 729, क्वेश्चन 3 है फ्रेंड्स। किसी संख्या को अगर 729 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 56, और अगर उसी संख्या को हम इज डिवाइडेड व्हेन व्हाट विल वी गेट एज रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27, उसी संख्या को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लेना, पहले इसको करने की कोशिश करना, फिर जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि कोई सा नंबर 729 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 56। फ्रेंड्स अगेन उसने दिया कि उसी नंबर को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। हमने देखा 729 और 27, 27 का स्क्वायर 729 है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, मतलब 27 इज डिविजिबल, तो 729 इज डिविजिबल बाय 27, 729 में 27 का भाग जा रहा है, इट मींस अब हमको केवल 56 के साथ 27 का जो रिमाइंडर आएगा वो देख लेना है। 27 टू जा 54, सो फ्रेंड्स रिमाइंडर विल बी प्लस 2, रिमाइंडर आया प्लस 2, केवल इतना कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन आया, देखना है 729 में 27 को पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर वही आएगा जो 56 के साथ 27 का भाग देने पर आता है। इसको मैं एक्सप्लेन उसी टाइप से करूंगा, एक्सप्लेन अगर करने की बात हो एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 729 के प्लस 56, k को 0 रखोगे तब भी 729 से डिवाइड करने पर 56 रिमाइंडर आएगा, k को 1 रखोगे तब भी 56 रिमाइंडर आएगा, k को 2 रखोगे तब भी 56 रिमाइंडर आएगा। इट मींस 729 k प्लस 56 ये वो नंबर है, इस नंबर को हमको 27 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। यहां पर 27 का भाग 729 में जा रहा है तो 729 में जा रहा है, उसके साथ मल्टीपल कुछ भी हो रिमाइंडर 0, 56 के रिमाइंडर के साथ प्लस 2, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आंसर आ जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 9 टू द पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 फाइंड r। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। क्वेश्चन है 9 की घात 6 माइनस 11 अगर 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 9 टू द पावर 6 माइनस 11, इसको 8 से डिवाइड करना है, इंडिविजुअल रिमाइंडर इसका प्लस 1, प्लस 1 की पावर 6 भी प्लस 1, यहां पे माइनस 11 रिमाइंडर, यहां पे माइनस 11 नहीं 3 माइनस 3 रिमाइंडर विल बी माइनस 2, माइनस 2 कहें 8 पे माइनस 2 रिमाइंडर आया, या फिर कहें प्लस 6, ऑप्शन में आपको माइनस वाला नहीं दिया जाएगा, माइनस वाला तो हमने इंट्रोड्यूस किया है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, प्लस 6 विल बी द आंसर, ये आपको आ गया होगा। फोर्थ, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 8, यहां पे आएगा ऊपर रिमाइंडर, आर लिख देता हूं समझ जाना। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 6। फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन है फ्रेंड्स 48, 34, 40 एंड 41, इस टाइप के ऑप्शन है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 6, ये क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को लीस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा नंबर चाहिए, हम संख्या देखते हैं, किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 8,
उसी संख्या को सेम संख्या को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया फ्रेंड्स 6। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13x लिख लो, 13x प्लस 8। x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है 7, y प्लस 6। ये दो इक्वेशन बन गई, ये नंबर होगा 13x प्लस 8, ये नंबर होगा 7y प्लस 6। हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हम जैसे हम x को 1 रखेंगे तो 13 प्लस 8 कितना हुआ 21, यहाँ पे 1 रखेंगे तो सबसे पहले तो 0 रखेंगे तो 8 और 6 अलग अलग नंबर आ रहा है, 1 रखेंगे तो 13 प्लस 8 21, 1 रखेंगे तो 7 प्लस 6 अलग आ रहा है। हमको इन चार में से चेक करना है। हम अप्रोच करते हैं 34 के लिए, सबसे छोटा यहाँ पे 34 दिख रहा है, 34 के लिए अप्रोच करते हैं। 2, जब x को हम 2 रखेंगे तो नंबर आएगा 13 2 26 प्लस 8 34। जब हम यहाँ पे y को 3 रखेंगे 4 रखेंगे 7 × 4 28 प्लस 6 34, नंबर आ गया 34। सो फ्रेंड्स इसको इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, किसी संख्या को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 3, किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा जब उस नंबर के क्यूब को और उस नंबर के स्क्वायर को जोड़ा जाए और 5 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा। हम इस नंबर को लिख ले फ्रेंड्स 5k+3, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5k+3। अब उसने बोला है कि जब 5k+3 का क्यूब और 5k+3 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस इयर्स के हैं, ये एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 5k+3 का क्यूब, 5k+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, अब रिमाइंडर निकालना है। फ्रेंड्स हमको पता है कि ये नंबर क्या है 5k+3, इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। अब इसके क्यूब और इसके स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। हमको पता है 5k+3 को 5 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर आता है +3 और उसका क्यूब करना है, +3 का क्यूब, इसका रिमाइंडर आया +3 उसका स्क्वायर, सो रिमाइंडर विल बी 27 प्लस 9 36। पांच भी तो है, अभी 5 से बड़ा है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तब जाके रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हुआ इसका +1, तो फ्रेंड्स इसका रिमाइंडर हुआ +1। देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है पर रिमाइंडर आ गया +1। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, लेट नंबर के को हम 1 मान लिया तो 5 और 3 8, नंबर 8 हो गया, ये जो नंबर है ये 8 हो गया, इसको 5 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है, तो नंबर 8 हुआ तो 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर 5। अब 5 से 8 को करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 27, वही आ रहा है 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 5 36 बाय 5 प्लस 1। बट यहां से थोड़ा एक फंडामेंटली एक बेसिक तरीके समझ में आता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहां पर रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है, रिमाइंडर थ्योरम में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये मेंस लेवल का हो गया है, आपका प्री तो इसमें 100% हो जाएगा कैसे भी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे 4 पार्ट्स में खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए आप डिविजिबिलिटी। थैंक्स।